अब देखो अब 90 से 0 की स्पीड में जाएंगे, तो देखो गाइस मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं ले रहा मैं। और देखो सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई लोगों की फरमाइश थी कि रॉयल इनफील्ड के स्पीडोमीटर के ऊपर काम करा जाए, क्योंकि भाई लास्ट वाली वीडियो में आपने प्यार इतना दिया था जो मैंने रॉयल इनफील्ड की दी थी, भाई बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो को भी आप ऐसी रिस्पांस दो जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर जाके क्लिक कर लेना कि मैंने लास्ट टाइम अपनी रॉयल इनफील्ड के अंदर मैंने क्या लगाया था, तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता तो भाई जाके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, स्पीडोमीटर लगाएंगे अपनी रॉयल इनफील्ड के अंदर। तो गाइस ये है मेरे पास में एक स्पीडोमीटर, जिसके अंदर है आपका स्पीडोमीटर है, आरपीएम है, लाइटिंग दिखाएगा आपको, मतलब ए टू जेड है, सब दिखा देगा। बट इसके अंदर आपको पेट्रोल तो दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल है कितना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रा के अंदर फ्यूल गेज जो है वो कंपनी से लग के नहीं आता। जो फ्यूल गेज लग के रहता है गाइस, वो 500 सीसी की जितनी भी ऊपर की गाड़ियां हैं सबके अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्यूल गेज। अगर आपको फ्यूल गेज लगाना है आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है टैंक के अंदर, उसकी भी मैं आपको वीडियो जल्द बना के दिखा दूंगा। तो अब करते हैं फटाफट इस डिजिटल मीटर की अनबॉक्सिंग, यानी कि इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो चलो गाइस लेट्स गो। तो गाइस ये है मेरे पास में एक मोटो वुल्फ का एक स्पीडोमीटर, जिसके साथ में आपको मिलती है 1 साल की गारंटी, 6 महीने की आपकी इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी। और ये है तीनों साइड से वेदर प्रूफ, यानी कि सर्दी बरसात और गर्मी में हर तरह के मौसम के अंदर गाइस ये चलेगा आपका मीटर। तो मैं आपको इसका एक बार इसका वाटर टेस्ट भी करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले में मिलती है एक ब्रैकेट, और गाइस ये है अपना स्पीडोमीटर जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस इसका जो ग्लास है, ग्लास की फिनिश देखो भाई, एक नंबर है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है भाई, वो भी बहुत शानदार बनाई हुई है बनाने वाले ने। और इसका जो ये है स्विच गाइस, इससे आप अपना मीटर रीसेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको 7 कलर है मिल जाएंगे, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन और तरह तरह के इसके कलर है, मैं आपको सारे दिखाऊंगा। और यहाँ पे इसका लगेगा गाइस केबल, तो केबल देख पा रहे हो इसके अंदर लग जाएगी। और केबल हमारे को इसके साथ में ये वाली केबल मिली है गाइस, ये देख पा रहे हो, ये सेम हमारी जो रॉयल इनफील्ड है उसकी फिटिंग के साथ में ये लग जाएगी। और ये आप मीटर कुछ इस तरीके से, और सामने देख पा रहे हो ये है मेरे फ्रेंड की रॉयल इनफील्ड, तो इसके अंदर लगाएंगे हम। ये स्पीडोमीटर है कि किस तरीके से लगता है इस बाइक के अंदर। तो चलो गाइस शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। सो गाइस स्पीडोमीटर लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो स्क्रू है पूरी तरीके से नहीं खोलना, हल्का सा खोलना है। तो जैसे कि हम इसको हल्का सा खोल देंगे तो ये हमारी हेडलाइट कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगी। और ये हमने सॉकेट है ये इस तरीके से निकाल देना है, ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरी हेडलाइट खुल चुकी है। तो अपने स्पीडोमीटर निकालने के लिए गाइस ये जो केबल है इसको बाहर निकालना है। और ये जो आप 8mm के स्क्रू देख रहे हो इसको हम अनस्क्रू करके बाहर आ जाएगा। और जिसका स्पीडोमीटर का जो सॉकेट होता है गाइस, तो सॉकेट अपना ये वाला है, तो इसको बाहर निकाल दो जस्ट, इसको प्लग आउट करके ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो गाइस निकाल दिया मैंने इसका स्टॉक वाला स्पीडोमीटर, तो देख पा रहे हो ये चली हुई 3921 किलोमीटर। और दोनों का जो साइज़ है गाइस, दोनों का सेम साइज़ है, आप देख पा रहे हो इसका पीछे से और ये आगे से। और इसको लगाते हैं, लगाने से पहले ये जो इसके अंदर जो वाटर सील है, तो इसको वाटर सील को हमने इसके अंदर लगाना है, ताकि चलते टाइम ये ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह ना करें। सो गाइस इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी जो पेट्रोल वाली केबल है इसको अंदर से निकालना है हमने कुछ इस तरीके से, और ये आ जाएगा अपना इस तरीके से। और ये पीछे वाला जो आपको पार्ट है, जो इसका वायरिंग है, इसको हमने पीछे की तरफ रखना है, और इसको यहाँ पर हमने नीचे से क्लैंप से टाइट कर देना है। तो ये है इसका ब्रैकेट और ये है इसके स्क्रू, और इसको लगा देते हैं वापस इसके अंदर। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका मीटर ब्रैकेट अच्छे से लग चुका है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका सॉकेट, तो सॉकेट भी गाइस बढ़िया से लग चुका है। और ये जो आप ब्लैक एंड रेड वाली वायर देख रहे हो, ये हमारी इसकी आरपीएम की वायर, तो आरपीएम की वायर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ लगेगी। तो ये जो आप सॉकेट देख रहे हो गाइस, ये मैंने इसमें CDI में से निकाला है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वाइट और रेड कलर की जिसके ऊपर लाइन है, तो ये हमारी RPM की वायर। तो इसमें हमने 1 मीटर वायर लेके जो हमारी इधर तक आ जाए, तो यहाँ से लग जाएगी हमारी इस ब्लैक एंड रेड कलर की वायर के अंदर। अब इसके अंदर रह चुका है बस गाइस इसकी जो स्पीडोमीटर की वायर है, तो वायर लगानी हमने इसको टायर से अटैच करनी है। तो गाइस RPM की वायर है वो भी लग चुकी है, देख पा रहे हो। अब मैंने यहाँ से लेते हुए निकाली, तो टैंक के नीचे से होते हुए ये आ गई पीछे से निकली, और पीछे से होते हुए ये इधर जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर वायर अच्छे से लग चुकी है। अब बारी आती है इसकी स्पीडोमीटर की वायर लगाने की, यानी कि जो इसकी जो मेन वाली वायर है
अब आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज ये अपनी स्पीडोमीटर की वायर, तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि नई वाली वायर क्यों लगाई जा रही है। तो नई वाली वायर भाई देखो इसलिए लगाई जा रही है, ये जो देख पा रही है इसका स्क्रू है, इसका साइज़ छोटा है और ये जो स्क्रू है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ये वायर जो अपनी जो स्पीडोमीटर है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, उसके अंदर नहीं लग पाएगा। तो इसी को लगाते हैं अब अपने डिजिटल स्पीडोमीटर को, ये जो नई वाली वायर है। तो भाई लगा दी मैंने इसके अंदर किलोमीटर की वायर, अब देख पा रहे हो ये वायर हमारी ये वापस हमारी इसके अंदर लग जाती है। सिर्फ इसके अंदर से हमारी ये जो पेट्रोल की वायर है तो ये हमारी बच जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल गेज नहीं है गाइस, और मीटर के अंदर दिखा रखा है फ्यूल गेज। तो इसकी भी आपके लिए जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो हेडलाइट लगाने से पहले गाइस हमने इसका मीटर है वो टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए इसकी जो की है तो की हमने ऑन कर देनी है, जो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर रीडिंग आ चुकी है। तो गाइस देख पा रहे हो 0-0 और नीचे किलोमीटर की और ऊपर सब कुछ दिखा रहा है इसके अंदर। और फटाफट हेडलाइट को लगा के आप लोगों को इसको चला के दिखाता हूँ अच्छे से कि किस तरीके से ये चलेगा। हाँ तो गाइस अपना पूरा मीटर अच्छे से लग चुका है और आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ। और हाँ इसका जो मैंने बटन लगाया गाइस, इसका बटन मैंने लगाया इधर की तरफ, ऊपर भी लगा सकता था लेकिन ऊपर भी आप समझ सकते हो कोई भी आता है छेड़खानी पहले करता है, इससे अच्छा है इसको कहीं अंदर लगा दो ताकि हम लोगों को पता लगे कि कहाँ पर बटन है। अभी देख पा रहे हो गाइस सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से चलेगा। मैं आप लोगों को इसका इंडिकेटर ऑन करके दिखाने से पहले स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी ख़राब है। ये देखो गाइस ये चल रहा है इसका आरपीएम भाई, तो भाई आरपीएम भी इसके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस। और करते हैं इसका इंडिकेटर, तो ये है इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर। तो गाइस यहाँ पर भी इंडिकेटर का साइन आ रहा है और ये देखो ये है राइट साइड का इंडिकेटर। अब दबाते हैं पास लाइट, तो पास लाइट का भी देखो गाइस इसके अंदर आ रहा है साफ दिख रहा है। और ये चल गई हमारी मेन हेडलाइट, तो मेन हेडलाइट का भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो गाइस इस बटन को हमने दबा के रखना है, ये जो आप बटन देख रहे हो, तो देखो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो गाइस ग्रीन हो गया। इसी तरीके से गाइस इसके अंदर काफ़ी कलर्स हैं, अब ये रेड कलर का ये। हाँ तो गाइज अपनी बाइक हो चुकी है बिल्कुल रेडी, तो चलते हैं अब ऊपर वाले का नाम लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाला हमने पहला गियर, ये देखो गाइज ये उठ गई इसकी रीडिंग। तो भाई 15 की स्पीड में चल रही है अभी चल के देखते हैं बाहर कि कितनी रीडिंग दिखाएगा। तो 23 बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है अपना मीटर, ये जो है ये दिया हमने इंडिकेटर। और गाइज इसके अंदर इंडिकेटर भी देखो रेड कलर का आ रहा है, तो जिस कलर का आपका मीटर होगा सेम मीटर आएगा। और इसके अंदर देखो लो बीम और हाई बीम दोनों दिखा रहा है। ये गए हम नेहरू पार्क वाला रोड, ये आ गए नेहरू पार्क। चल भाई बुलेट राजा हो जा शुरू, वन ऑफ द फेवरेट रोड भाई ये 80 भाई, मतलब भाई प्रॉपर तरीके से गाइस अपने मीटर है यार, दिल खुश हो गया भाई अपना। देखो भाई बिल्कुल सही स्पीड दिखा रहा है तो 75। और ये देख पा रहे हो भाई, चलो चल रही है अपनी बाइक। और गाइस देखो 86 आ गई, 87, 84। अब देखो अब 90 से 0 की स्पीड में जाएंगे, तो देखो गाइस मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया बिल्कुल भी नहीं ले रहा मैं। और देखो अपना स्पीडोमीटर की जो रीडिंग है गाइस नीचे गिर रही है, ये देखो 1 किलोमीटर 900 मीटर चल चुकी है अभी तक हमारी बाइक जो है, और ये पूरा 2 किलोमीटर हो चुका है। अब ये आ गया मेरे सामने चाणक्यपुरी, तो यहाँ से भी लेते हैं हम सीधा, ठीक है ना। अब ये यू टर्न है गाइस, ये लास्ट टाइम जो आपने वीडियो देखी थी वो बंदा मेरे से यहीं पर आगे टकराया था, खैर ऊपर वाले का शुक्र है तो ये बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि भाई वो लोग फ़ोन पे काम कर रहा है एक तरफ देख रहा है, भाई ऐसे काम नहीं चलता, या तो फ़ोन में देख लो या गाड़ी पे ध्यान दे लो। चलो अब चलते हैं घर पे। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर मार देना इस वीडियो को, ठीक है ना। हाँ तो गाइस इसको लगा डाला तो आपकी बाइक जिंगल आला कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि भाई इसके अंदर लग चुका है अब डिजिटल मीटर। आप लोगों ने देखा यार कितनी सिंपली तरीके से हर बार की तरह मैं आपके लिए डिजिटल मीटर भी इंस्टॉल कर दिया, कुछ ही मिनट लगते हैं गाइस इसको लगाने में। और हाँ सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आपने नई बाइक ली है और आप सोच रहे हो कि अपनी बाइक की बिना वारंटी गए
इसको हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। गाइस बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटर है ये प्लग एंड प्ले तरीके से बिल्कुल ही लगाया मैंने अपनी बाइक के अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ऊपर आपको एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा तो वहाँ से भी जाके आप इसको बुक करवा सकते हो गाइस। और ये जो जितनी भी आपकी रॉयल इनफील्ड है, इलेक्ट्रा से लेके थंडरबर्ड हो या क्लासिक हो, सबों के अंदर लग जाएगा। और इसके अंदर आपने देखा कितने डिफरेंट तरीके के गाइस कलर मिलते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने इस रॉयल इनफील्ड के अंदर ये सक्सेसफुली तरीके से काम कर रहा है गाइस। तो बस गाइस यही था आज की इस वीडियो में। होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार एक थम्स अप ज़रूर देना और अपने उन भाइयों के साथ में ये शेयर कर दो वीडियो जिनके पास में रॉयल इनफील्ड है और लगाना चाहते हैं एक अच्छा सा डिजिटल स्पीडोमीटर। तो उन लोगों को बोल दो कि भाई ये स्पीडोमीटर है, आपको मिल जाएगा टेक्नो खान स्टोर के ऊपर। और हाँ, वीडियो तो ज़रूर दिखवा देना उन भाइयों को जो अभी तक का सब्र कर रहे थे इस वीडियो का कि कब आएगा ऐसा वीडियो जो हमें बता दे किस तरीके से लगना है, किस तरीके से नहीं। गाइस आप बेफिक्र होके लगा सकते हो इस डिजिटल स्पीडोमीटर के अंदर। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। और हाँ, हर बार की तरह यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर नए आए हो तो।